सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह और दोस्तों ये वीडियो है Infinix Hot 6 Pro के टॉप 10 हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको Infinix Hot 6 Pro के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको जानकर आप अपने फोन के एक्सपीरियंस को जो है वो बेटर बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पहले फीचर के साथ जिसका नाम है फेस अनलॉक। दोस्तों Infinix Hot 6 Pro के अंदर फेस अनलॉक वाला जो फीचर है वो पहले से इनबिल्ड है। ये फीचर की मदद से दोस्तों हम अपना फेस दिखा के फोन को जो है अनलॉक कर सकते हैं। ये फीचर आपको मिलेगा सेटिंग्स मेन्यू के अंदर। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको जाना होगा सिक्योरिटी एंड लोकेशंस के अंदर। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको देख रहा होगा ऑप्शन फेस अनलॉक का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जो पिन सेट किया होगा या आपने जो पैटर्न लगाया होगा वो आपको डालना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा ऐड फेस अनलॉक का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर अपना जो फेस है वहाँ पे ऐड करना है। अभी यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना फेस है जो रिकॉग्नाइज करवा के रखा हुआ है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों आप फेस अनलॉक कितनी फास्ट जो है वो काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो फेस अनलॉक वाला फीचर है ये इतना फास्ट नहीं है जितना कि आईफोन एक्स के अंदर है, बट यहाँ पर दोस्तों 10 में से 8-7 बारी तो अपना फेस दिखा के मैं फोन को अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मुझे एक दो बारी प्रॉब्लम आती है, तब मुझे जो है पिन डाल के फोन को जो है अनलॉक करना पड़ता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने सेकंड फीचर की जिसका नाम है पावर बटन एंड कॉल्स। दोस्तों ये फीचर की मदद से जब हम कॉल के ऊपर होंगे, अगर हमें कॉल काटना है जस्ट हमें अपने पावर बटन को प्रेस करना है, कॉल जो है कट जाएगा। दोस्तों ये फीचर हमको मिलेगा सेटिंग्स मेन्यू के अंदर ही। दोस्तों सेटिंग्स पे आने के बाद हमें जाना होगा एसेसिबिलिटी के अंदर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है पावर बटन एंड कॉल्स, इसको आपको इनेबल करना है। अब दोस्तों जब भी आपको फोन काटना होगा जस्ट आपको अपने पावर बटन को प्रेस करना है, कॉल जो है वो कट जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने थर्ड फीचर की जिसका नाम है डबल टैप टू वेक। दोस्तों इस फीचर की मदद से जब मैं लॉक स्क्रीन के ऊपर दो बारी टैप करूंगा स्क्रीन जो है वेकअप हो जाएगी, और दो बारी दोबारा टैप करने पे स्क्रीन जो है ऑफ हो जाएगी। ये फीचर हमें मिलता है दोस्तों सेटिंग्स मेन्यू के अंदर ही। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा एक्शंस एंड जेस्टर्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले वाला ऑप्शन आप देख सकते हो डबल टैप टू वेक का, इसको आपको इनेबल करना है। अब दोस्तों जब मैं लॉक स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करूंगा स्क्रीन जो है वेकअप हो जाती है, डबल टैप करने पे स्क्रीन जो है ऑफ हो जाती है। दोस्तों बात करते हैं अपने चौथे फीचर की जिसका नाम है आई केयर। दोस्तों Infinix Hot 6 Pro के अंदर आपको आई केयर का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आप उसको इनेबल करके अगर आप रात में फोन यूज कर रहे हो आपकी आंखों के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आसानी रहेगी रात के अंदर फोन चलाने की। दोस्तों ये फीचर हमको मिलता है सेटिंग्स मेन्यू के अंदर ही। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आप थर्ड वाला ऑप्शन देख सकते हो आई केयर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों इस फीचर को आपको इनेबल करना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो जो स्क्रीन है वो वार्म हो गई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो रात को ज्यादा फोन यूज करते हैं उन लोगों को ये फीचर अनेबल करके रखना चाहिए ताकि आपकी आंखों के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़े। बढ़ते हैं दोस्तों अपने पांचवें फीचर की तरफ जिसका नाम है वन हैंड मोड। दोस्तों वन हैंड मोड फीचर की वजह से आप अपने फोन को एक हाथ से यूज कर सकते हो। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, एक बार फिर से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन देख सकते हो वन हैंड का, इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों अगर आप राइट से यूज करना चाहते हो दोस्तों ये राइट के अंदर आ जाएगा। अगर आप लेफ्टी हो तो आपको जस्ट ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन जो है वो लेफ्ट के अंदर हो गई है। तो अब दोस्तों अगर आपको इसको एग्जिट करना है जस्ट आपको ये क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों अब मैं फुल व्यू डिस्प्ले के अंदर दोबारा आ जाता हूं। तो बेसिकली दोस्तों जिन लोगों को एक हाथ से फोन यूज करना है तो उन लोगों के लिए ये फीचर बहुत ही यूजफुल है। अब बारी आती है दोस्तों सिक्स फीचर की जिसका नाम है टर्न साइलेंस। दोस्तों ये फीचर भी हमें सेटिंग्स मेन्यू के अंदर मिलेगा। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा एक्शंस एंड जेस्टर्स के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आपको लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा टर्न साइलेंस, इसको दोस्तों आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों जब आपका कोई कॉल आएगा या आपका अलार्म बज रहा हो अगर आप उसको म्यूट करना चाहते हो जस्ट आपने अपने फोन को जो है टर्न कर देना है, कॉल या अलार्म जो है वो म्यूट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अपने सातवें फीचर की जिसका नाम है फाइंड माय डिवाइस। दोस्तों फाइंड माय डिवाइस एक बहुत ही यूजफुल फीचर है। जिस भी फोन के अंदर ये फीचर होता है तो मैं उसे जरूर बताता हूँ। Infinix Hot 6 Pro के अंदर ये फीचर हमें देखने को मिलता है। ये फीचर हमको मिलेगा सेटिंग्स मेन्यू के अंदर। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा सिक्योरिटी एंड लोकेशंस के अंदर। यहाँ पे आप दोस्तों सेकंड ऑप्शन देख सकते हो फाइंड माय डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये दोस्तों पहले से इनेबल है। अब दोस्तों आपको दोबारा ये फाइंड माई डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। दोस्तों ये आपको लेके जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। प्ले स्टोर पे दोस्तों आने के बाद आपको फाइंड माई डिवाइस की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है।
दोस्तों फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी उसको ओपन करें और दोस्तों उसके बाद आपको अपने जीमेल से इसके अंदर साइन इन करना है। आप जैसे ही साइन इन करेंगे दोस्तों तो आपका जहां फोन गुम हुआ है तो वहां की आपको लोकेशन पता लग जाएगी और दोस्तों लोकेशन पे पहुंच के हम एक साउंड भी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि हमें हमारे फोन का जो है वो पता चल सके। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, इसको आपको इनेबल करके ही रखना चाहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम अपने 8वें फीचर की जिसका नाम है चेंज ट्रांसफर इफेक्ट। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो जैसे मैं एक चेंज करता हूं एक इफेक्ट आता है। अगर आप इस इफेक्ट को चेंज करना चाहते हैं जस्ट आपको ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे हमको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं बट आपको जाना होगा मेन्यू के अंदर। दोस्तों मेन्यू पे आने के बाद हमें जाना होगा सबसे पहले वाले ऑप्शन पे जो है स्विच का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पे हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लाइट, क्यूब, रोटेट। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं रोटेट पे क्लिक कर लेता हूं। अब दोस्तों आप देख सकते हो जैसे मैं चेंज कर रहा हूं एक रोटेट वाला इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है। आप अपनी पसंद से दोस्तों कोई भी इफेक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने सेकंड लास्ट फीचर की जिसका नाम है टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स। दोस्तों ये फीचर हमको मिलता है सेटिंग्स मेन्यू के अंदर ही। सेटिंग्स पे दोस्तों आने के बाद हमें जाना होगा एक्शंस एंड जेस्चर्स के अंदर। यहाँ पे दोस्तों आपको बीच वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा टेक स्क्रीनशॉट विद 3 फिंगर्स, इसको आपको इनेबल करना है। अब दोस्तों जैसे ही मैं 3 फिंगर ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करूंगा स्क्रीनशॉट जो है वो खिंच जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने लास्ट फीचर की जिसका नाम है स्प्लिट स्क्रीन। दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो की अगर जो स्क्रीन है आप उसको स्प्लिट करना चाहते हो, आप दो काम एक ही फोन के अंदर करना चाहते हो, दोस्तों ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ऐप को जो है ओपन करना है। दोस्तों जो स्प्लिट स्क्रीन है वो हर ऐप के लिए तो नहीं होती है, जो ऐप दोस्तों स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करेंगी वही दोस्तों स्क्रीन को स्प्लिट कर पाएंगे। दोस्तों अब आप अगर अपने फोन की जो स्क्रीन है उसको स्प्लिट करना चाहते हो तो जस्ट आपको जो रीसेंट टैब वाला ऑप्शन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। तो देखिए दोस्तों हमको दो विंडो बन के आ जाती है, एक ऊपर एक नीचे। दोस्तों सेकंड वाली विंडो के अंदर हम कोई भी ऐप को ओपन कर सकते हैं जो ऐप स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करती हो, जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज खोल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे को दो स्क्रीन दिखा रहा है, एक यूट्यूब एक मैसेज। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दो काम एक ही स्क्रीन के अंदर कर सकता हूँ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन जो है वो हर ऐप के लिए नहीं होता, तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी सारी ऐप जो है स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करें, ऐसा करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको सेटिंग्स मेन्यू पे जाना होगा। सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्तों जाना होगा आपको सिस्टम के अंदर। सिस्टम पे आने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा अबाउट फोन्स के अंदर। दोस्तों यहाँ पर आपको जाना होगा बिल्ड नंबर के ऊपर। इसके ऊपर दोस्तों 4-5 बार क्लिक करने के बाद एक डेवलपर ऑप्शन जो है वो खुल जाता है और दोस्तों डेवलपर ऑप्शन हमको मिलेगा सिस्टम के अंदर ही। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब सबसे लास्ट के अंदर दोस्तों आपको चले जाना है, सेकंड लास्ट में दोस्तों आप देख सकते हो फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, दोस्तों इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। तो दोस्तों अब आप अपनी सारी एप्स को जो है स्प्लिट कर पाओगे। तो ये थी वीडियो दोस्तों टॉप 10 हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ इन्फिनिक्स हॉट 6 प्रो। बताएगा कैसी लगी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक बटन को हिट करिए और दोस्तों आप किसी और फोन के टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मिस्टर टेकी को। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।